Welcome to my YouTube channel PTE Tips and Tricks by Nikhil. This video will be in Hindi language. और इस वीडियो का मेन मोटिव है कि कुछ लोग सोचते हैं कई बार हमारी स्पीकिंग रिकॉर्ड नहीं होती, मतलब हमारे स्पीकिंग में अच्छे स्कोर्स नहीं आते, तो गलती किसकी है, हमारी है या कोई टेक्निकल इशू है। ये वीडियो के अंदर मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ओके, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करूंगा। मेरे को एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है मेरी किसी वीडियो के ऊपर, ये देखिए कमेंट आपकी आंखों के सामने है। सर, मैंने चंडीगढ़ दिया था एग्जाम, मेरे राइटिंग में 74 है, लिसनिंग में 67 है, रीडिंग में 55 है, स्पीकिंग 43, अब बताओ ये टेक्निकल एरर है या नहीं है। तो आज इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि क्या ये टेक्निकल एरर है, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम कहां पर है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पता नहीं कर पाते कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, इसको इन डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले ये उनका क्वेश्चन है, जस्ट वेट अ मोमेंट जी, उनके राइटिंग में जो स्कोर्स हैं यहां पर देखिए 74 आए हैं, अच्छे हैं, लिसनिंग में भी 7+ हैं, 55 और 43, कमी इन दोनों में। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिसनिंग में, स्पीकिंग के अंदर किन किन टॉपिक के सेक्शन होते हैं, एक तो रीडिंग के मार्क्स होते हैं, एक तो लिसनिंग के मार्क्स होते हैं। अब लिसनिंग में 67 स्कोर्स आ चुके हैं, मतलब 7 आ चुके हैं आउट ऑफ 97 आ गए हैं, सिर्फ 23 मार्क्स कम है, ओके। तो ये है हमारा लिसनिंग का सेक्शन, इसके मार्किंग देखिए, अगर दो क्वेश्चंस आए हैं आपको तो 10 × 2 दैट इज 20, और ये चार सेक्शंस को मैं छोड़ूंगा क्योंकि ये अनइम्पॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स, अगर दो क्वेश्चंस आए हैं, एक में 5 आए हैं, एक में 4 आए हैं, मैं 9 लगा के चलता हूं, कई बार 4-4 ही आते हैं तो हम 8 लगा के चलते हैं। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में भी हम 8 लगा के चलेंगे एवरेजली, कई बार 5 आ गए, कई बार 3 आ गए, कई बार 4 आ गए, कई बार 4 आ गए, एवरेजली 8 लगा के चलते हैं। तो राइट फ्रॉम ट्रेडिशन 3 to 4 आते हैं, ओके। तो अगर 4 आते हैं, अगर इस स्टूडेंट को 4 आए हैं तो हम 30 मार्क्स हाईएस्ट लगा के चलेंगे। अब इनका टोटल करिए कितने हुआ, 30 + 8 = 38, 38 + 8 कितने हो गए हमारे 46, 46 + 20 = 66, इनके 67 आ चुके हैं स्कोर्स लिसनिंग में। तो आपको क्या लगता है कि क्या अगर हम ये चार सेक्शन को कंप्लीट कर दिया होगा इस स्टूडेंट ने तो उसमें कोई गलती नहीं हुई होगी, जरूर गलती हुई होगी। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे को यहां पर मान लीजिए 30 में से 25 मार्क्स आ गए, मैं बिल्कुल अप्रोक्सीमेट लगा के चलता हूं, इसमें से एक छोड़ दिया 7 मार्क्स आ गए, एक मिस हो गया, और इसमें से पूरे बटा पूरे आ गए क्योंकि इनके जो राइटिंग के नंबर हैं वो बहुत अच्छे हैं, 74, मतलब राइटिंग के टास्क के रिलेटेड जो इनके स्कोर्स हैं वो अच्छे हैं। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि ये इनके राइट फ्रॉम प्रिपरेशन भी अच्छे गए हैं पूरे, तभी इनके 74 बने हैं, तो इसका हम 30 लगाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे को यहां पर नजर आ रहा है 665 स्कोर्स, इनका राइटिंग भी अच्छा गया है, ये भी अच्छा गया है, तो ही इन दिनों इनके लिसनिंग और राइटिंग में स्कोर्स आए हैं, मतलब राइटिंग के टास्क इनके बहुत अच्छे गए हैं। राइटिंग में ये भी आता है, ये 7 मार्क्स का है तो 2 आए होंगे तो अप्रोक्सीमेटली 14 मार्क्स ये हो गए, और ऐसे राइटिंग सेक्शन एक आया होगा तो वो कितने हैं, 15 मार्क्स का है, यहां पर इन्होंने टेम्पलेट यूज किया तो 29 मार्क्स ये हो गए, 29 में से कुछ हिस्सा यहां पर रीडिंग को भी जाएगा, ओके, तो रीडिंग को भी जाएगा कुछ हिस्सा, और रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स भी इनके अच्छे गए हैं, तभी इनके 74 तक पहुंचे हैं, सिर्फ 16 मार्क्स कम है, ओके। 16 मार्क्स कम होने की वजह ये हो सकती है कि छोटी छोटी गलतियां, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ग्रामर मिस्टेक्स हो गई, ये सेक्शन इनका बहुत अच्छा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स और राइट फ्रॉम रोटेशन, एक दो वर्ड ऊपर नीचे, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं एज पर माई एक्सपीरियंस। तो देखो गाइस, प्रॉब्लम कहां पर आई है, इनके स्पीकिंग 43 है। अब स्पीकिंग में देखो रीड अलाउड होता है, रीडिंग में वो तो इनके मार्क्स आए 55 है,
राइट, रीड अलाउड में इनको प्रॉब्लम हुई है। जरूरी ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हुई है तो ही आपके अच्छे स्कोर्स नहीं आए। अब मैं सोचने वाली बात है कि रिपीट सेंटेंस और रीटेल लेक्चर में भी लिसनिंग के स्कोर्स होते हैं। ओके, तो इसमें तो आपके देखो 67 आ चुके हैं। अगर हमारा 65, मान लीजिए मैंने टोटल किया था 66 के ऊपर, 66 के ऊपर मैं मानता हूं कि आपके 10 मार्क्स कम हो गए। कितने रह गए? 56। और कम से कम आपको रीटेल लेक्चर में से और उसमें से आपको 12 नंबर मिले हैं, मतलब आपका रीटेल लेक्चर अच्छा गया है, रिपीट सेंटेंस भी अच्छे गए हैं, तभी आपके इतने अच्छे स्कोर्स आए हैं। पर अगर मैं दूसरी तरफ देखूं कि यहां पर तो लिसनिंग के ऑलरेडी 66 बन चुके हुए हैं, अब इनका लिसनिंग में जो राइटिंग का टास्क है वो अच्छा गया है, ठीक है, अच्छा गया, तभी इनके 74 आए हैं राइटिंग में। तो देखो इस मौके के ऊपर इमेज पार्ट जो है वो बहुत इजी होता है, और रीड अलाउड में भी इनके मार्क्स नहीं आए, रिपीट सेंटेंस और रीटेल लेक्चर के मानों में नहीं जोड़ता हूं, नहीं जोड़ता हूं या थोड़े बहुत जोड़ता हूं, क्योंकि यहां पर तो हमारे 66 बन चुके हुए हैं, 66 में से मैं 56 लगा के चलता हूं, और जो बाकी के नंबर हैं वो कैसे आएंगे लिसनिंग में, वो यहां से आएंगे, रिपीट सेंटेंस, रीटेल लेक्चर और आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। तो इनके इन तीनों में से सिर्फ 10 नंबर गए लिसनिंग को, ठीक है ना, 10 नंबर गए लिसनिंग को। तो लिसनिंग में कैसे हम पूरे करेंगे मार्क्स, क्योंकि लिसनिंग के जो मार्क्स होते हैं जो जितने यहां पर बचे हैं, ये जो सारा सेक्शन है ये 66 और 70 स्कोर्स का होता है। मान लीजिए आपके आंखों के सामने है 20 मार्क्स, 28, 36, 36 प्लस 66, और इनके हम मान लेते हैं 4 और 5 मान लो 71, तो कम से कम हमारे 20 मार्क्स जो है ना ये स्पीकिंग में है, और स्पीकिंग में हमारे को मिले 12 है, तो प्रॉब्लम यहां पर आई है स्पीकिंग के केस में, उसकी वजह से आपके रीड अलाउड में स्कोर नहीं आए रीडिंग के। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि टेक्निकल इशू हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम नॉट 100% श्योर, पर यहां पर देखा जाए अगर हम कैलकुलेट करें ये जो स्कोर्स हैं ये बहुत अच्छे आए हैं। ये मुझे लगता है कि बिना स्पीकिंग के अंदर अच्छे स्कोर या थोड़ी बहुत होगी हो या रुक गए हो, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। माइक की पोजीशन आपने अलग रखी हो, मैं ये नहीं कहता कि सारी चीजें गलत होंगी, पीटी का जो स्पीकिंग का पार्ट है उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, लेकिन यहां पर आपको टेक्निकल इश्यू आई है, क्योंकि स्पीकिंग में 90 out of 90 लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइस इस स्कोर कार्ड से मैं तो यही कंक्लूजन निकालूंगा कि इसमें बच्चे को दिक्कत आई है स्पीकिंग के केस में, वो कोई भी वजह हो सकती है, इनकी माइक की पोजीशन, इनका कॉन्फिडेंस लो हो चुका हो, क्योंकि स्पीकिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो जाता है, और इसके बाद कोई टेक्निकल इशू आ गया हो, या इनको वहां पर एग्जामिनर ने रोक दिया हो, या इनके क्वेश्चन मिस हो गए हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप सारी चीजें सही करके आए हो, बिना रुके कॉन्फिडेंस से करके आए हो, तो आपके ये स्कोर्स आए हैं, तो टेक्निकल इशू आया होगा 101% मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ स्पीकिंग के केस में। तो गाइज अब इसको जानने के लिए आप घर में बैठ के तो तैयारी नहीं कर सकते हो, हमारे स्कोर कार्ड चेक करिए स्टूडेंट्स के, अब इस सेंटर के अंदर स्टूडेंट्स ने पेपर दिया होगा उनके तो अच्छे स्कोर्स आए होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अच्छे स्कोर्स नहीं आए ना, तो हम बहाने ढूंढते हैं कि वहां पर टेक्निकल इशू आ गया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ अपनी गलती को ढूंढो, बहाने मत ढूंढो, क्योंकि जितनी देर तक गलती नहीं पता लगेगी ना, आप अपने टीचर के साथ डिस्कशन नहीं कर सकते और वो आपको एक तरह का सलूशन नहीं बता सकता है। तो गाइस अगर आप मेरे से ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को जान सकते हैं कि क्या वाकई में हमारे में गलती है कि टेक्निकल इशू आया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलती हमारे में होती है, हम कह रहे थे टेक्निकल इशू है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश वीक है, उन्होंने 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, मैक्सिमम 3 हफ्ते में अच्छे स्कोर्स हासिल किए हैं। तो अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं या अच्छे स्कोर्स लेना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो हम आपसे पूरी हेल्प करेंगे आपकी, और पूरे टेक्निक्स देंगे, प्रूव्ड टेक्निक्स होगी, ग्रुप क्लासेस हैं, बैच क्लासेस हैं, पर्सनल क्लासेस होंगी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। सुबह इंडिया के टाइम के 4 बजे हम शुरू कर लेते हैं क्लासेस, और आप जब चाहे मर्जी क्लासेस ले सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, और अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं सामने दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कॉल कर सकते हैं। बाय बाय।